मैं बाबा साहब को नमन करते हुए मैं बाबा साहब के उस कमरे में हूँ, कमरे में हूँ जहाँ पर बाबा साहब ने लंदन में हेनरी रोड पर एक कमरा किराया ले रखा था और जिसमें वो रहते थे। ये वही कमरा है जिसमें बाबा साहब ने अपना पूरा पीएचडी का समय दिया। यहीं से थोड़ी दूर पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ पर बाबा साहब यहाँ से जाते थे। ये बाबा साहब का बिस्तर है। ये ऊपर जो देख रहे हैं ये ओरिजिनल लाइट है जिसके नीचे बाबा साहब ने अपना समय दिया पूरा। मैं खुश नसीब हूँ कि उस जगह पर खड़ा हूँ। और लोग कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि बाबा साहब इसी घर में रहते थे, तो बाबा साहब ने जब बाबा साहब के बच्चे का देहांत हुआ तो बाबा साहब ने अपने घर पर माता रमाबाई को पत्र लिखा, तो उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे सिर्फ रेल की आवाज गुजरती है। उतने अपने शब्दों को उन्होंने बयां करते हुए लिखा कि तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा साहब इसी खिड़की किनारे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए रेलवे लाइन है जो यहाँ से गुजरती है। साथ में शुक्रगुजार हूँ अम्बेडकर दलित स्टूडेंट यूनियन का, जिसकी वजह से मुझे नई पहचान मिली है और उस संगठन के बैनर तले हम लोगों ने काम किया। चूंकि अंबेडकर यूनिवर्सिटी दलित स्टूडेंट यूनियन संगठन का निर्माण 2001 में प्रोफेसर करुणाकर सर के नेतृत्व में उन्होंने उसको बनाया था। फिर वो कुछ समय बाद वह खत्म हो गया या उसको चलाने वाले लड़के निकल गए। तब 2001 में हमने सिरियात ने और पूरी टीम ने यूडीसी की टीम ने इस संगठन को तैयार किया था। श्रेया थैंक यू, क्योंकि अगर तुम इस संगठन को तैयार नहीं करते तो शायद मैं यहाँ पर नहीं पहुंच पाता। और साथ में शुक्रगुजार हूँ मैं आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का और अवधेश कुमार वर्मा सर का, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और मेरे लिए डॉक्टर बसंत सर, वी मिस यू, क्योंकि आपने जो हमें लड़ने के लिए हमें जो आप बात बताते हैं और समय समय पर आप हमें तैयार रहते हैं, डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर बसंत कुमार सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपके सराहनीय इस पहल से आज मैं इस बाबा साहब की उस जगह पर खड़ा हूँ जहाँ बाबा साहब ने इतनी अथक मेहनत से मॉडर्न भारत को, आधुनिक भारत को बनाया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ भारतीय मूल निवासी संगठन का, प्रकाश गौतम सर का, लाल बहादुर भाई का, जिन्होंने मेरे एक कहने पर मेरे यहाँ पर आने का पूरा इंतजाम कर दिया। थैंक यू। जय भीम, जय भारत। और आप देखिए बाबा साहब को ये अलमारी दी गई थी उस कमरे में, और इस कमरे में ये कपड़े रखने के लिए अलमारी दी गई थी और किताबें रखने के लिए अलमारी दी गई थी। और ये जो अंगीठी है फायर प्लेस है जहाँ पर सर्दियों में कमरे को गर्म रखने के लिए कोयला, और बाबा साहब यहीं पर अपनी ब्रेड टोस्ट करके खाते थे। थैंक यू वेरी मच।